अगर आपको पता चले कि आपकी बीवी शादी की रात चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे इस बारे में, क्योंकि आप छोड़ भी तो नहीं सकते, शादी की रात होती है। अच्छा, शादी की रात अगर आपको पता चला कि बीवी चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? मैं उसके सामने बैठ के बोतल पी लूंगा। तो दोनों एक साथ बैठ के चर्च लगाने शुरू हो जाएंगे आप तो? बिल्कुल, खूब मौजे मनाएंगे, खूब अच्छी तरह से। हाँ, शराब की बोतल हो भी और चर्च भी पियेंगे। शादी की रात अगर आपको पता चले आपकी बीवी चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? मैं उसको मार दूंगा। कोशिश करूंगा कि वो उसको इस चीज से मैं वो कर लूं, हटा लूं। अगर ना हटी तो? नहीं तो ना हटी तो मैं ही हट जाऊंगा। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना और सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, अगर आपको पता चले कि आपकी बीवी शादी की रात चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? ये सवाल हम आवाम से जाकर पूछते हैं और देखते हैं उनके क्या जवाब हमें सुनने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? उस्मानुल्लाह। उस्मानुल्लाह भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछूं? जी बिल्कुल। माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, अगर शादी की रात आपको पता चले आपकी बीवी चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? ओ यार, खुदा खुदा करे अल्लाह बचाए इसी बीवी से। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसी बीवी मिल जाए तो आप क्या करेंगे? यार मैं जो हो तो कोशिश करूंगा कि उसको इस चीज से मैं वो कर लूं, हटा लूं। अगर ना हटी तो? नहीं तो ना हटी तो मैं ही हट जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या है भाई? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? घर में बैठा हूं। अच्छा, आपसे सवाल पूछूं? जी। शादी की रात अगर आपको पता चले आपकी बीवी चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? मैं उसको मार दूंगा। मार देंगे? बिल्कुल खत्म। लाइफ एंजॉय नहीं करोगे? नहीं। अच्छा काम करेगी, कुछ नहीं कहूँगा, बुरे कामों पे बंदा मार देगा। अगर शादी की रात आपको पता चले कि आपकी बीवी चर्च पी दे तो आप क्या करेंगे? उसको मारूंगा ना। मारेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी बिल्कुल। शादी की रात अगर आपको पता चले आपकी बीवी चर्च पी दे तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे इस बारे में, क्योंकि आप छोड़ भी तो नहीं सकते, शादी की रात होती है। और फिर देखेंगे, अगर हॉस्पिटल ले जाना पड़े नशे वाले हॉस्पिटल, उसको आप हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे शादी के? हाँ जी, तो वक्त गुजारना तो उसके साथ फिर मुश्किल होता है। आप चर्च हो जाएंगे। अगर शादी की रात आपको पता चले आपकी बीवी चर्च पीती है तो आप क्या करेंगे? यार मैं जो हूँ उसको मना करूँगा, और वैसे भी ये तो है, मतलब जो मनशा फरोशी की वजह से हो रहा है, तो मतलब जो है समझाने की कोशिश करूँगा, समझ गए ठीक। और बाकी जो है, अगर वो किसी गलत तरीके से लग गई है इस लत पे, तो उसको समझाना चाहिए, हमारा फर्ज उसको समझाना। आप उसको समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं शादी के? ये ना हो कि शादी के रात आप छोड़ दें, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं यार, छोड़ना किस यार, इतना लोगों को बुला के एक बंदा शादी करे, फिर एकदम एक बात हर बंदे को गलती का पतला है, तो मतलब अगर इसमें एक गलती उसमें आ गई तो मतलब उसको समझाना चाहिए। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपने देख लिया, मुझे तरह तरह के जवाब सुनने को मिले। कोई क्या कहता है, कोई कहता है मैं उसके साथ दम लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, खूब उसके साथ इंजॉय करूंगा, शादी की पहली रात है, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकूंगा। तो जी हाँ नाज़रीन, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।